इंदौर और भोपाल के साथ साथ अब उज्जैन भी मध्य प्रदेश में कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। उज्जैन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को कोरोना के 7 नए मरीज मिलने के बाद उज्जैन में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही उज्जैन में कोरोना मरीज की संख्या बढ़कर 25 हो गई। सोमवार को जिन संदिग्ध मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई उनमें शब्बीर पिता शाहिद 75 वर्ष निवासी बेगमबाग, शाजिद पिता शाकिर हुसैन 32 वर्ष निवासी नागौरी मोहल्ला, मोहम्मद हुसैन पिता इब्राहिम 65 वर्ष निवासी केडी गेट, आबिद अली पिता निजामुद्दीन 56 वर्ष कमरी मार्ग, शाबिदा बी पति मोहम्मद हुसैन 60 वर्ष निवासी केडी गेट, मनीषा पति जयंत 60 वर्ष कमरी मार्ग तथा जसीना बी पति रियाज अहमद 60 वर्ष अमरपुरा तोपखाना शामिल हैं। यह आपको बता दें कि उज्जैन में अब तक कोरोना से 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 4 कोरोना संक्रमित ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। जिन 7 मरीजों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उन सभी का प्रशासन द्वारा डोर टू डोर सर्वे किया गया एवं कोरोना जैसे लक्षण पाए जाने पर इनकी जांच हेतु सैंपल लिए गए थे। कोरोना के ये 7 नए मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने बेगमबाग, नागौरी मोहल्ला, कमरी मार्ग, अमरपुरा, तोपखाना, इनके अलावा उन इलाकों को भी कंटेनमेंट एरिया घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी है जहां कोरोना के नए मरीज पाए गए हैं।